Hello students, today I am explaining the red blood cell count procedure. The principle, since the normal RBC count runs in million, the count is made possible by diluting the sample of blood before counting the subsequently multiplying the count by the dilution factor. The apparatus for RBC count, improved Nabyard counting chamber, RBC pipette, RBC diluting fluid, जिसे हम Hayem fluids भी कहते हैं, compound microscope, cover slip and pricking apparatus. जो RBC pipette होती है, उसका जो mouthpiece होता है red color का, rubber tube होती है, उसकी bead जो होती है वो red color की होती है, bulb होता है और एक stem होती है जो कि 0.5 से 1 तक होती है, और इसके अंदर जो marking होती है 0.5, 1 and 101. Then उसका जो bulb होता है वो large होता है WBC के compare, red bead होती है, red mouthpiece है, और अनदर इसके यूजेस होते हैं आरबीसी पिपेट के स्पर्म काउंट में भी यूज़ हो सकता है, प्लेटलेट्स काउंट के अंदर भी होता है, और डब्ल्यूबीसी काउंट होता है सबसे ज़्यादा ल्यूकीमिया के अंदर. अब जो आरबीसी फ्लूड है उसका जो कंपोजिशन एंड ब्लड के सॉरी कंपोजिशन एंड फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से है. सोडियम सल्फेट जो होता है वो 2.5 ग्राम है, जो कि एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है, आरबीसी के एग्रीगेशन को, और जिसे कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन. सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम होता है जो कि आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करता है. मर्क्यूरी क्लोराइड होता है 0.52 ग्राम, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एंड प्रिजर्वेटिव्स एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है. वाटर इसके अंदर 100 ml होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है इंश्योर दैट इम्प्रूव नेब्योर्स काउंटिंग चैम्बर एंड कवर स्लिप एंड लेंसेज, जो कि हमारे माइक्रोस्कोप के लेंसेज हैं, वो क्लीन होनी चाहिए, और आरबीसी पिपेट जो है वो ड्राई होनी चाहिए. सिकिन तो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड जो हमारा फ्लूड है उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना हमें लेना है रिक्वायर्ड अमाउंट हमारी जो पिपेट के अंदर, उसको हम इनटेक कर लेंगे हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर. फिर हमें अपनी फिंगर को प्रिक करना होगा. सिकिन तो प्रिक करने से पहले हमें अपनी फिंगर को स्प्रिट से सबसे पहले एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी. तो सबसे पहले देखिए, सिप्रिट से हमने अपनी फिंगर को स्वैप किया, फिर देन उसको ड्राई होने के लिए 1 to 2 सेकेंड वेट करना है, फिर देन प्रिक करना है. तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि हमारी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा पाल्मर फेसिया और थंब इंडेक्स होता है और लिटिल फिंगर होती है, ये हमारी एक्सटेंडेड होती है फोरआर्म के लिए, ठीक है. अगर हम इसको प्रिक कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन अक्कर हो सकता है, जिसके चांसेस होते हैं हमारे फोरआर्म के अंदर जो है वहाँ पे भी क्या हो सकता है, जो हमारे इन्फेक्शन है वहाँ पे भी पहुँच सकता है हमारी. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जो सिप्रिट स्वैब होता है तो वो प्रिकिंग एरिया पे ही क्यों करते हैं? वो उसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं कि पहले हमें जो सिप्रिट है उसको ड्राई करना चाहिए, ठीक है, उसको वेट करना है कि उसको ड्राई होता है. अगर हम सिप्रिट अप्लाई करने से पहले उसको प्रिक करते हैं तो वो इफ़ वी प्रिक बिफोर द सिप्रिट हैज़ बीन ड्राई होने से पहले करते हैं, तो जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है सिप्रिट के साथ, जो हमारा सिप्रिट और ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और होमोजेलाइज हो जाते हैं, ठीक है. तो इसलिए हमें पहले क्या है, वेट करना चाहिए कि हमारा सिप्रिट स्वैब है उसको ड्राई होने दो. और कभी भी मतलब से थर्ड क्वेश्चन आता है, टेक ए लैंसेट एंड प्रिक डिस्टल पार्ट ऑफ फिंगर. तो इसमें क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि हम प्रिक करते हैं तो हमारा वन सिंगल टेक में हमारा जो प्रिकिंग नहीं अच्छे से हो पाता, तो वो ब्लड प्रॉपरली नहीं बाहर फ्लो होता है. तो इसलिए हमें मल्टीपल प्रिकिंग अवॉइड करना चाहिए, इसलिए हमें लैंसेट से ही उसको थोड़ा सा कट कर देना चाहिए, जिससे कि ब्लड क्या फ्लो ईजिली हो जाए, क्योंकि मल्टीपल प्रिकिंग से हमें अवॉइड करने के लिए बोला गया है. तो नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे ब्लड है उसको सक कर लेना, यानी कि इस तरह से देखो, उन्होंने पीछे जो हमारी पिपेट थी
जो वह उसको पिपेट के थ्रू हम उसको सक कर लेते हैं 0.5 मार्किंग तक ओनली, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ तक आपको सक कर लेना है। नेक्स्ट है, जब आप फिंगर को प्रिक करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि उस एरिया को स्क्वीज़ नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि टिश्यूज़ की मिक्सिंग हो जाती है ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि रिज़ल्ट आ जाता है जब हम WBC या RBC का काम करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको प्रिकॉशंस हैं इसकी कुछ, तो आपको उससे अवेयर रहना होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि इमिडिएटली जो हमने आसक कर लिया है ब्लड ट्यूब के अंदर 0.5 तक, तो उसको हम डिप करेंगे RBC पिपेट के अंदर, जो कि हमारी टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर उस फ्लूड को सक कर लेना है जो उसी पिपेट के अंदर, जो हमने पहला पिपेट के अंदर 0.5 तक तो हमने ब्लड लिया, देन उसके बाद जो हमने फ्लूड एक टेस्ट ट्यूब में लिया था, फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से हमने जो हमारा जो फ्लूड है RBC फ्लूड, उसको हमने आगे 0.1 मार्क तक लेके जाना है, ठीक है। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है, तो जो होल्ड द पिपेट हॉरिजेंटली बिटवीन पाम्स एंड रोल इट जेंटली जेंटली टू सो ब्लड द इवनली मिक्स द RBC डाइल्यूटिंग। तो इसको आपको डाइल्यूट कैसे करना है, इस तरह से आपको रेगुलर 10 मिनट के लिए जो आप पिपेट है इस पूरा सर्कुलर रोल करना है, ये आपको तकरीबन 10 मिनट तक करना होगा, ठीक है। फिर देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि डिस्कार्ड करना है, जो हमारी 2 से 3 ड्रॉप्स हैं जो फ्लूड की स्टेम के ऊपर, उसको डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि उसके अंदर जो कि उसके अंदर कोई ब्लड सेल्स नहीं होती, इसलिए हमें पहले 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं कॉटन पे इस तरह से डिस्कार्ड कर लेनी है, क्लियर। चार्ज द स्मियर, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ फ्लूड इज अलाउड टू फॉर्म एट द टिप ऑफ द पिपेट एंड टच द एज ऑफ द ड्रॉप टू द बॉर्डर ऑफ द कवर स्लिप। द फ्लूड इज ड्रॉन इन टू काउंटिंग एरिया ऑफ नियबर चैम्बर बाई कैपलरी एक्शन, वेट फॉर अ 1 मिनट सो दैट द ब्लड सेल्स विल सेटल डाउन इन काउंटिंग एरिया। तरह से देखिए बिल्कुल क्लियरली, नेक्स्ट स्टेप, पुट द चार्ज नेब्यूलर, जो हमारा नेब्यो चैम्बर है पूरा का पूरा, उसको मैकेनिकल स्टेज है जो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, यहाँ पे उसको पुट कर देना एज इट इज, ठीक है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के लेंसेज होते हैं, सबसे पहले हम उस सेल्स को देखेंगे 10x के अंदर, फिर 40 वाले के अंदर, फिर देन 45 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू काउंट RBCs, हम RBC को काउंट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये जो हमारे रेड स्क्वेयर्स होते हैं ये फिगर के अंदर देख सकते हो, इसके अंदर क्या है कि 4 तो कॉर्नर होते हैं और एक सेंट्रल स्क्वेयर होता है, ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, 4 कॉर्नर है और एक सेंटर वाला नंबर 5th है। हाउ टू काउंट RBCs में नेक्स्ट देखिए, जो हमें इसमें काउंट सिर्फ वही करने हैं जो कि राइट क्लिक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो काउंट RBCs जो हमारे 4 कॉर्नर और 1 सेंट्रल स्क्वेयर के अंदर है, सिर्फ उसी को ही काउंट करना है। जो RBC अपर और लेफ्ट बॉर्डर के अंदर हैं हमारे, वो उनको काउंट नहीं करना है, क्योंकि राइट और जो लोअर बॉर्डर के ऊपर है उसको नहीं कर सकते हम काउंट। डू सेम फॉर एवरी स्क्वेयर, काउंट द RBC इफ़ इट्स प्रेजेंट ऑन इन साइड और द मिडल लाइन ऑफ ट्रिपल बॉर्डर ऑफ स्क्वेयर, डोंट काउंट RBC विच आर आउटर साइड ऑफ द मिडल लाइन। देखो क्रॉसिंग वाले हमें काउंट नहीं करने हैं, राइट जहाँ पे है वही सिर्फ वही काउंट कर। तो टोटल नंबर ऑफ RBCs इन स्क्वेयर्स, तो जैसे कि उसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n1 n2 n3 n4 एंड n5। तो क्वेश्चन अराइज होते हैं n1 n2 n3 n4 n5 क्या है।
तो N1 इज द सेल्स प्रेजेंट इन वन एंड N2 द सेल्स प्रेजेंट इन टू द N3 सेल्स प्रेजेंट इन थ्री एंड N4, ठीक है, ऐसे जो जिस सेल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटिंग फैक्टर। इसके अंदर हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ बल्ब, जो वॉल्यूम बल्ब है 101 तक है, उसमें से -1 इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा स्टेम का पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ बल्ब वाली को ही हम काउंट करते हैं, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इसको ये 100 वॉल्यूम हो गया, जिसके अंदर हमारा 0.5 सिर्फ, क्या हमने सबसे पहले जो ब्लड लिया था यहाँ तक लिया था ना, तो सिर्फ वही हम काउंट करेंगे, और 99.5 क्या होगा हमारा जो फ्लूड है इसके अंदर। जो हमारा देन हमारा जो फ्लूड होगा वो कैसे बन जाएगा, तो वो हम इसको डाइल्यूशन करेंगे तो 1 in 200 और 200 टाइम्स, तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर क्या बन गया, 200, क्लियर। हियर द फाइनल कैलकुलेशंस, एरिया ऑफ RBC स्क्वायर 1 है, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसकी फाइनल कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, जो हमारी RBC की जो पिपेट है उसकी पूरी कैलकुलेशन, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ 1 by 5 into 1 by 5 दोनों तरफ से, तो इज इक्वल टू 1 by 25 mm square। देन एरिया ऑफ 5 RBC स्क्वायर्स, तो कैसे होगा, 5 into 1 by 25 इज इक्वल टू 1 by 5 mm square। देन वॉल्यूम कितना था उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ RBC स्क्वायर कैसे हम करेंगे, 1 by 10 mm, ठीक है, ये हमारा था। और वॉल्यूम ऑफ 5 RBC स्क्वायर्स, ये 1 के लिए अगर इतना है तो 5 के लिए कितना होगा ऑटोमेटिकली, एरिया इंटू डेप्थ, मतलब 1 by 5 into 1 by 10, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 1 by 50 mm क्यूब। देन ऐसे ही हमारा 50 mm क्यूब के लिए, जो हमारा 50 mm क्यूब है उसके पास एन मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 1 के अंदर होते हैं 50, तो वो N50 हो गए। इसी तरह से टोटल अगर हमारे N सेल्स, यानी कि हमारे 50 N सेल्स हो जाते, तो उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डाइल्यूशंस के साथ। हमारी डाइल्यूशन कितनी थी, 200, तो 50 को 200 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट, 10,000, क्लियर। जो N फैक्टर यूज़ किया, N1 N2 N3 N4 N5। द नॉर्मल वैल्यू जो RBC की होती है वो मेल्स के अंदर होती है 5 to 6 millions होती है क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, एंड फीमेल के अंदर होती है 4.5 to 5.5 million RBC, और इन्फांट्स जो होते हैं जो उनके अंदर होती है 6 to 7 millions। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप हमारे फार्मेसी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट में अपनी पॉजिटिव कमेंट्स जरूर छोड़िए। थैंक यू सो मच।